यातायात टीम द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कचनी के प्रांगण में उपस्थित लगभग 800 छात्र छात्राओं और शिक्षक गण की मौजूदगी में यातायात नियमों के बारे में व्याख्यान दिया गया। पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन के निर्देशन में यातायात प्रभारी अजय प्रताप सिंह व सूबेदार आशीष तिवारी सहित अन्य अधिकारियों ने सिंगरौली यातायात व्यवस्था और सड़क सुरक्षा हेतु दृढ़ संकल्पित होते हुए व्याख्यान दिया। कहा कि हमारा सर्वोपरि लक्ष्य है कि सड़क पर किसी को जान ना गंवानी पड़े। सड़क दुर्घटना और हादसों में जिंदगी खो देने वाले व्यक्ति, जिसकी जिंदगी रोड एक्सीडेंट्स में चली जाती है, उसका परिवार व रिश्तेदार सब टूट जाते हैं। इसलिए सड़क सुरक्षा आज के जीवन में बहुत ही जरूरी भावनात्मक इमोशनल विषय है। हम सब जब तक अपने आप में यह चेतना नहीं लाएंगे, तब तक रोड सेफ्टी की यह मुहिम सफल सिद्ध नहीं हो पाएगी। उन्होंने सभी बच्चों, गुरुजनों और पत्रकार बंधुओं की उपस्थिति में बताया कि दोपहिया वाहन पर हेलमेट जरूर लगाएं और यदि आपके घर से, परिवार से जब भी कोई सदस्य मोटरसाइकिल, स्कूटी पर बाहर जाता है, चाहे वह कम से कम दूरी पर जा रहा हो, उसे हेलमेट पहनने के लिए अवश्य कहें। आप फोर व्हीलर गाड़ी चलाते हैं तो कृपया ध्यान रखें कि हमेशा सभी यात्रियों को सीट बेल्ट बांधना चाहिए। अंत में प्रभारी यातायात द्वारा सभी स्कूली बच्चों और आदरणीय गुरुजनों को सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई गई और ट्रैफिक रूल से संबंधित पंपलेट और पर्चे सभी लोगों को वितरित किए गए। सिंगरौली से अनिल कुमार दुबे की रिपोर्ट।